हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ इकोनॉमिक के इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स के बारे में जो आपको 12 मार्क्स के आने वाले क्वेश्चन नंबर 3 में आपके एग्जाम आपके जो बोर्ड एग्जाम है क्वेश्चन नंबर 3 में ये शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे। देख आपको करना है फर्स्ट टू सिक्स चैप्टर तक, अगर इतने आप शॉर्ट नोट्स कर लेते हो आपके 12 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। 5 out of 3 आएगा, 3 आपको करना है, 12 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर से माइक्रो इकोनॉमिक क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। इसमें से फीचर्स पूछ सकते हैं, स्कोप पूछ सकते हैं, माइक्रो का मैक्रो का, इसमें से 2 आ सकता है शॉर्ट नोट्स। एंड क्वेश्चन नंबर चैप्टर 2 के टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एंड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी ये भी आ सकते हैं आपको 3 मार्क्स में। अगर आपको लॉन्ग आंसर आपने लॉन्ग आंसर किया है तो आप इसको शॉर्ट में बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 का टाइप्स ऑफ डिमांड अगर आपने किया है तो उसी के बेस पे आ सकता है शॉर्ट नोट्स। एंड डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड जो आपने लॉन्ग आंसर में किया है वो आप यहाँ पे शॉर्ट करके लिख सकते हैं। अगर उसमें से अगर आप 6 पॉइंट भी लिखोगे तो भी सही है, 12 मार्क्स के लिए इनफ है। चैप्टर नंबर 5 में बात करते हैं मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आप ये चारों में से आपका एक फिक्स आएगा ही आएगा। चैप्टर 6 सब फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर ये भी आपको आ सकता है। स्टेप इन कंस्ट्रक्टिंग वैल्यू इंडेक्स नंबर ये दोनों भी आपको आ सकते हैं। एंड इतना आप करते हो तो आपको 12 मार्क्स फिक्स है, और अदर भी आपको आ सकते हैं। तो ये जो फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक एंड टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स एंड ब्रीफ वाले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले, ब्रीफ वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। NA 3 out of 5 आपको 3 क्वेश्चन कवर करने हैं, 12 मार्क्स इसका वेटेज है। इकोनॉमिक्स में अगर देखोगे स्टार्टिंग से मैं बोलते आ रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 अगर किसी स्टूडेंट का कंप्लीट है तो आपका इकोनॉमिक्स पूरा मींस 80 out of 80 कंप्लीट हो जाएगा। बट कुछ फर्दर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो बचते हो मैं लास्ट में लिख देता हूँ, किसके अलावा जो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हो सकते मतलब लास्ट में एंडिंग में मैं दे देता हूँ। बट चैप्टर नंबर 1 to 6 आप देखोगे, चाहे शॉर्ट नोट्स की मैं बात करूँ, लॉन्ग आंसर की बात करूँ, एक्टिविटी वाले क्वेश्चन की मैं बात करूँ या फिर आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चन की बात करूँ, डिस्टिंग यूज की बात करते हो, 1 to 6 अगर कंप्लीट है आपको NA 3 out of 5 ये जो 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे मोस्टली मैं बता रहा हूँ जितने भी टॉपिक्स हैं NA 3 आपका कवर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस की हम लोग बात करें, चैप्टर नंबर 1 के आपके 4 क्वेश्चंस है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फीचर्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है एंड मैक्रो का आपका फीचर्स एंड स्कोप, मतलब 4 में से एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है आपको शॉर्ट नोट्स में, अदरवाइज आपका एग्री एंड डिसएग्री पार्ट्स में आना कंपलसरी है क्वेश्चन। और हो सकता है दोनों जगह आपको क्वेश्चन दिख जाए, मतलब शॉर्ट नोट्स में भी दिखे एंड एग्री एंड डिसएग्री वाले पार्ट्स में दिखे, बट 2 में से एक जगह कंपलसरी क्वेश्चन ही दिखने वाला है। चैप्टर नंबर 1 की मैं बात किया, 1 का क्वेश्चन आपको कंपलसरी दिखेगा शॉर्ट नोट्स एंड एग्री एंड डिसएग्री वाले पार्ट्स में। चैप्टर नंबर 5 की बात करो, इसके बाद चारों मार्केट का आपको फीचर्स एक क्वेश्चन दिखेगा एंड सेम यही बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पे नहीं तो इसका बेनिफिट आपको एग्री एंड डिसएग्री वाले पार्ट्स में दिखेगा, मतलब 4 मार्क्स तो एकदम कंपलसरी है। और मैंने बोला जैसा कि ऑप्शनल भी हो सकता है, मतलब आपको शॉर्ट नोट्स में भी दिख जाए एंड लास्ट वहाँ पे एग्री एंड डिसएग्री में भी दिखे। ये 2 होने के बाद 2 चैप्टर सबसे पहले आपको कवर करने, 2 होने के बाद चैप्टर नंबर आपको 2 करना है। 2 में आपको दिखेगा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एंड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी एंड फीचर्स ऑफ यूटिलिटी 2 ही क्वेश्चन है, और बाकी क्योंकि लॉग DMU लॉन्ग आंसर में हम लोग ने कवर किया, इनके शॉर्ट नोट्स में पूछते हैं तो आप सेम कर सकते हो एंड रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU ऑलरेडी लॉन्ग में देखे हैं तो शॉर्ट में आप कर सकते हो, बट जो बचेंगे ये 2 पहले आपको कवर करने हैं। अगर 3rd की बात करेंगे, 3rd में ऑलरेडी टाइप्स ऑफ डिमांड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड नेक्स्ट डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ये एग्री एंड डिसएग्री वाले पार्ट्स में भी आपको दिखता है, एग्री एंड डिसएग्री जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। चैप्टर नंबर 6 शॉर्ट नोट्स एग्री एंड डिसएग्री के बारे में अगर आप बात करते हो, शॉर्ट नोट्स एग्री एंड डिसएग्री वाले पार्ट्स के बारे में बात करते हो तो चैप्टर नंबर वहाँ पे 1 इंपॉर्टेंट हो जाता है, चैप्टर नंबर 5 इंपॉर्टेंट हो जाता है, चैप्टर नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो जाता है।
दो क्वेश्चन की बात करो, चैप्टर क्वेश्चन नंबर थर्ड शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके एग्री एंड डिसएग्री के लिए, ये तीन चैप्टर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। इसमें तो सबसे पहले आपको सम्स प्रैक्टिस कर लेना है। सम्स ऑलरेडी बोला गया था, एक्टिविटी में पूछा जा सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। कितने सम्स है टोटल आप देखोगे, पांच, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर, लास्ट पीरियस एंड पास्ट इंडेक्स नंबर। सम्स आपको प्रैक्टिस करना है, दो क्वेश्चन आपको कर लेना है। एक तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर का फीचर्स आपको कर लेना है। नेक्स्ट अगर बात करोगे स्टेप्स करना है कौन से वैल्यू इंडेक्स नंबर का, जब हम लोग उसको बनाते हैं तो स्टेप्स, ये इतने ही क्वेश्चन आपको करने हैं। फर्दर जो क्वेश्चन करने हैं चैप्टर 6 तक एक पहले कंप्लीट कर लेना है। ये कंप्लीट अगर आपका हो जाता है, फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको लॉन्ग में दे चुका हूं। फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक का आपने देखा रहेगा, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है, तो फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक में दो था, पहला तो हमारा प्राइमरी फंक्शन था, सेकंड हमारा सेकेंडरी फंक्शन था। प्राइमरी फंक्शन करके भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, तो मतलब उसी के अंदर का पार्ट है, या फिर अदरवाइज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट करके पूछा जा सकता है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑलरेडी प्राइमरी फंक्शन के अंदर का पार्ट है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। नेक्स्ट हमारा टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू आपको पढ़ लेना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है, एक साथ नहीं पूछा जाएगा, या तो आपको टैक्स रेवेन्यू पूछा जाएगा, अदरवाइज आपको नॉन टैक्स रेवेन्यू पूछा जाएगा। टैक्स रेवेन्यू की जैसे हम लोग बात करें, डायरेक्ट टैक्सेशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आता है, वो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए गए थे, जैसे फाइन वाला, वो सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप देखना वो क्वेश्चन। ये दोनों में मतलब सेपरेट एक ही आएगा, या तो टैक्स रेवेन्यू या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू का क्वेश्चन बनेगा। इतने ही क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स में करने, आपको फोकस रखना है पहले चैप्टर 1, 5, 6 ये कंप्लीट करना है, जिसका बेनिफिट आपको शॉर्ट नोट्स में एज वेल एज एग्री एंड डिसएग्री वाले पार्ट्स में आपको मिलेगा। वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो का हेल्प मिले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली जो भी अपडेट है अकाउंट्स का, जब तक आपका पेपर नहीं कंप्लीट होगा, कंप्लीट आपको वीडियो मिलता रहेगा, तो उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास वाले में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को। थैंक यू सो मच।